अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्लोर पाकिस्तान में हम आपको लेकर आ जाए हैं भलवार। तो नाज़रीन, आज आप यहाँ देख रहे हैं मौसम बड़ा खुशगवार है, किसी वक्त धूप निकल आती है, किसी वक्त बारिश हो जाती है। भलवाल के बारे में आपको ये बताता चलूं कि ये ज़िला सरगोधा की एक बहुत खूबसूरत तहसील है और पूरे एशिया में ये माल्टे की पैदावार के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ की आबादी 80,000 नफूस से ज़ायद पर मुश्तमिल है और इस्लामाबाद से इसका फासला 210 किलोमीटर से ज़्यादा है। यहाँ की मशहूर फसलों में गंदम, चावल, चना, मकई, जवार और जिस तरह से आप जानते हैं कि माल्टा है। आज हम आपको दिखाएँगे भलवाल की गलियाँ, यहाँ के बाज़ार और जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया यहाँ के माल्टे। आइए चलते हैं। भलवाल में शहरी और देही ज़िंदगी का एक हसीन इम्तिज़ाज नज़र आता है। यहाँ के लोगों का रहन सहन सादा है मगर ये मेहनती और जफाकश हैं। भलवाल के बाज़ारों में बहुत चहल पहल नज़र आती है और इसकी वजह यह है कि यहाँ के लोग मकामी रोज़गार से वाबस्ता हैं। भलवाल के गिर्दो नवाह में देही जिंदगी का रंग बिखरा पड़ा है। हर सु फैली हरियाली और हर तरफ बिखरे रंग जिंदगी का पता देते हैं। यहाँ के लोग अपनी मेहनत से फल खाने का फन जानते हैं। यहाँ की जमीन जरखेज है, शायद इसी वजह से यहाँ हरियाली बहुत है। तंबाकू भी यहाँ पे काश्त होने वाली एक अहम फसल है। ये भलवाल का इलाका है और इस वक्त आपको जो कुछ मेरे पीछे नज़र आ रहा है इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये देही ज़िंदगी के रंग हैं, ये एक देहात है। पंजाब का कल्चर ये है कि यहाँ मेहमान नवाजी के हवाले से डेरा सिस्टम मौजूद है और आज हम लोग मौजूद हैं भलवाल के एक डेरे पर। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, आपका नाम? अमजद अली। अमजद अली साहब, ये आपका डेरा है? हाँ जी, मेरा डेरा है। और ये जो हमारे पीछे आपको बाग नज़र आ रहा है ये आप ही का है? हाँ जी, मेरा। ये बताइएगा कि ये किस चीज़ का बाग है? ये किन्नू का, जी फ्यूटर है, मौसमी है, हर किस्म का। तो माल्टे की पैदावार के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी पैदावार होती है, दुनिया में सबसे बड़ी मंडी है और एशिया में खास करके नंबर वन मंडी है। एशिया की नंबर वन मंडी। बहुत शुक्रिया। भलवाल की सबसे बड़ी वजह शोहरत यहाँ का सिट्रस फ्रूट है। माल्टे से ना सिर्फ हमारे मुल्क को सबसे बड़ा फायदा हो रहा है बल्कि मकामी लोगों का रोजगार भी इसी से वाबस्ता है। आज हमने आपको माल्टे के बागात की सैर कराई। फसल के पकने के बाद अगला मरला है कटाई का और कटाई के बाद फिर इस माल्टे को मंडी में पहुंचाया जाता है। ये तमाम मराहिल किस तरीके से तय होते हैं इस सिलसिले में हम बात करेंगे इस बाग के मालिक से, जो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अमशेर गोंदल। अमशेर गोंदल साहब, ये बताइएगा कि ये जो कटाई का मरला है किस तरीके से अंजाम पाता है? ये होते हमारे मजदूर होते हैं, उनके पास पलिंग होती है,
उनमें वो कटाई करते हैं, फिर ये जो सामने पड़ी हैं पेटियां लकड़ी की, ये इधर पाकिस्तान में एक्सपोर्ट होती है, वो जो सामने डिब्बे पड़े हैं वो हम मंडी तक हम उधर एक्सपोर्ट करके पॉलिश करके भेजते हैं। अच्छा, आप पाकिस्तानी इसको पॉलिश नहीं करते और जो एक्सपोर्ट करें उसको पॉलिश करके एक्सपोर्ट भेजते हैं। ये अंदरूनी मुल्क रहता है हमारा, ये जो पेटी वाला माल्टा है ना, ये अंदरूनी मुल्क रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया। किन्नू को पॉलिश के लिए फैक्ट्री लाया जाता है और उसके बाद यहाँ इसकी जांच पड़ताल की जाती है। पॉलिशिंग के पहले मरहले में किन्नू को मशीन में डाला जाता है। छोटे और बड़े साइज के तमाम किन्नुओं को एक साथ धो लिया जाता है। दिन पर वैक्स की मदद से पॉलिश की जाती है, जो इनमें चमक और खूबसूरती पैदा करती है, और ये वैक्स सेहत के लिए कतई मुजिर नहीं है। पॉलिश के बाद इन किन्नुओं का रंग ही कुछ और निकल आता है। अब किन्नुओं की दोबारा जांच पड़ताल की जाती है और नाकिस किन्नू को अलहदा कर दिया जाता है। मशीन के जरिए किन्नू के साइज की दर्जा बंदी की जाती है। सबसे आखिरी मरहला पॉलिश कर दिए गए किन्नुओं को पैक करने का है। पैकिंग के डब्बों में हवा के लिए सुराख रखे जाते हैं ताकि किन्नू खराब ना हो, और उसके बाद इन्हें स्टोर कर दिया जाता है। इससे इनकी क्वालिटी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भलवाल की एक और वजह शोहरत यहाँ की शुगर मिल और डेयरी है, जिससे बहुत से लोगों का रोजगार वाबस्ता है। सबसे पहले मरहले में दूध को एक खास दर्जे हरारत तक गर्म किया जाता है और उसके बाद इसे फौरन ठंडा कर लिया जाता है। इससे अगला मरहला पैकिंग का है। पैकिंग इस एहतियात से की जाती है कि दूध की क्वालिटी पर कोई असर ना पड़े। दूध से पनीर बनाने का अमल बहुत दिलचस्प है, और पनीर बनने के बाद इसको क्रश किया जाता है। इस डेयरी में मक्खन भी तैयार किया जाता है, जिसे छोटी और बड़ी टिक्कियों की शक्ल में पैक किया जाता है।
हुक्का हमारी सकाफत का हिस्सा भी है और पंजाब की रिवायत भी। भलवाल में हुक्का बनाने का फन भी यहाँ के लोगों की पहचान है। ये बहुत बारीकी का काम है और इसको इंतहाई नफासत से अंजाम दिया जाता है। देहात के लोगों की एक बहुत अच्छी रवायत यह है कि वो चीनी के बजाय गुड़ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। क्योंकि इस इलाके में गन्ना बहुत ज़्यादा पैदा होता है, इसलिए मकामी तौर पर देसी तरीके से गुड़ बनाया जाता है। एक्सप्लोर पाकिस्तान में अब वक्त है लोक मौसीकी को एक्सप्लोर करने का। आज म्यूजिक के लिए हमारे साथ मौजूद है मंजूर अहमद, अनार खान और उनके साथी। आइए इनसे एक लोकगीत सुनते हैं।